हॉलीवुड में एक और सेलिब्रिटी शादी की तैयारी हो रही है। जुरासिक वर्ल्ड और अब एवेंजर्स के हीरो क्रिस प्रैट और एक्शन लेजेंड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बेटी कैथरीन श्वार्ज़नेगर ने मंगनी कर ली है। क्रिस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और कैथरीन की तस्वीर जारी की है और कहा है कि वो कैथरीन से शादी के फैसले पर बहुत खुश हैं। क्रिस प्रैट गुज़श्ते साल अपनी बीवी आना फारिस से शादी के 8 साल बाद अलहदा हो गए थे। दोनों का एक 6 साल बेटा भी है। माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन ने जज्बाती और ज़हनी मुश्किलात से निमटने के लिए खुद को एक ट्रीटमेंट सेंटर में दाखिल करा लिया है। 20 साल पेरिस जैक्सन के करीबी ज़राए के मुताबिक वो 2018 में इंतहाई मसरूफ रही, जब उन्होंने मॉडलिंग में अपनी जगह बनाई और फिल्मी कैरियर का आगाज भी किया और फिर इसी साल उनके दादा का इंतकाल भी हुआ, इसलिए अब वो कुछ वक्त अपनी जज्बाती और ज़हनी सेहत को देना चाहती हैं। पेरिस माजी में भी ज़हनी दबाव का शिकार रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया था कि उन्होंने कई मर्तबा अपनी जान लेने की कोशिश भी की। हॉलीवुड अदाकारों की सबसे बड़ी यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज फनकारों पर दबाव डाल रही है कि ऑस्कर अवार्ड्स के अलावा किसी दूसरी अवार्ड तकरीब में शिरकत न करें। 1,60,000 से ज़ायद फनकारों पर मुश्तमिल यूनियन का कहना है कि उन्हें कई शिकायत मौसूल हुई हैं कि ऑस्कर एकेडमी फनकारों को अपने हरीफ अवार्ड्स में शिरकत करने और अवार्ड्स देने से रोक रही है। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब 24 फरवरी को मुनक्किद की जा रही है। वर्दा खलील, उर्दू VOA।